बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के विरोधियों को अदालत ने करारा झटका दिया है। अदालत ने जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके 5 अन्य साथियों को बरी कर दिया है। साल 2022 में सोनू सिंह के गांव मायंग के प्रधान रामदेव निषाद ने मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं अब सोनू सिंह ने भी प्रधान रामदेव निषाद के खिलाफ वोटरों को एकजुट कर अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 22 नवंबर को प्रधान रामदेव निषाद के भविष्य का फैसला होना है। आपको बता दें कि मायंग के प्रधान रामदेव निषाद ने साल 2022 में 25 जून को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके 5 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रधान ने आरोप लगाया था कि सोनू सिंह और समर्थक दबंगई के बल पर ग्राम पंचायत का पैसा निकाल ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच में प्रधान के आरोपों का सबूत नहीं मिला। पुलिस ने भी माना मुकदमा राजनीतिक से प्रेरित है। इसी मुकदमे की सुनवाई सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं प्रधान रामदेव निषाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर मायंग में 22 नवंबर को तूफानी बैठक है। चर्चा है प्रधान रामदेव की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि मामला मायंग से जुड़ा हुआ है। मायंग पूर्व विधायक सोनू सिंह का गांव है। मायंग में वही होता है जो सोनू और मोनू भैया चाहते हैं। NTTV भारत से बातचीत में चंद्रभद्र सिंह सोनू ने कहा कि रामदेव ने पीठ में वार किया है, बहुत भरोसा था लेकिन उसने विश्वासघात किया, जिसका फल उसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।